नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। अरे बेटे क्यों रो रहा है? क्या बात? मत मत अरे भाई ये किसका बच्चा है? वारे खुदा बंदा, अजब लोग हैं तेरी दुनिया के। बच्चे पैदा तो कर लेते हैं, परवरिश नहीं कर पाते तो भटकने के लिए छोड़ जाते हैं। घबरा नहीं बेटे, मैं परवरिश करूंगा तेरी। चल बेटे चल। उठिए, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? ये क्या? मुझे कोई दिखाई नहीं देता, मैं कुछ देख नहीं सकती। मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मरने दो। बहन खुदकुशी करना सबसे बड़ा गुनाह है, तुम्हारी जिंदगी पर किसी और का भी हक हो सकता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं, भगवान ने मुझे इसीलिए सजा दी और मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। उठो बहन, उठो, उठो। जरा संभल कर, जरा संभलिए। चलिए मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूं। ना रो बेटा, ना रो, ना रो, बस अभी घर पहुंचते हैं। क्यों रो रहा है? बहन इसे कोई बोरीवली के पास में छोड़ गया था। छोड़ लगता है कि अल्लाह मियां ने इसकी परवरिश मेरे नसीब में लिख दी। भैया भगवान आपको और इस बच्चे को सुखी रखे। लीजिए बहन आपका घर आ गया। आपकी बड़ी मेहरबानी। इसमें मेहरबानी की कौन सी बात है? बस आइंदा अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। अमर भारती। अमर बेट भारती, भारती तुझे क्या हो गया? मेरी आंखों की रोशनी चली गई। गंगू बहन, मेरे पति और मेरे बच्चे कहाँ हैं? अब वो नहीं रहे भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपके पति और आपके बच्चे एक्सीडेंट में मारे गए। गॉड, फादर देयर इज अ चाइल्ड। चाइल्ड? Fever.
उनकी मां ने सुसाइड कर लिया। लगता है गरीबी के कारण इसका बाप इसे यहां छोड़ गया। कम ऑन सन, गॉड विल प्रोटेक्ट यू। बच्चों को संभाल के अंदर रख लो। कन्फेशन के लिए आया हूँ। यस फादर, आज मैंने अपने स्कूल की किताबें भेज दी। व्हाट? स्कूल की किताबें भेज दी? फादर, सड़क पर एक मरा हुआ आदमी पड़ा था, उसके कफन के लिए मैंने किताबें भेज दी। लेकिन बेटे, तुम्हारा नहीं था, तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करनी। क्या? नहीं नहीं फादर, अपन पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। अपन थोबड़े से फंदेबाज लगता है, पन अपन है नहीं। अपन उधर जाएगा तो वो लोग उल्टा अपन को पकड़ के बंद कर देगा। बंद कर देगा तो अच्छा हो। कैसा बात करता है फादर, वो लोग अपन को ले जाएगा तुमको अच्छा लगेंगे? और नहीं तो क्या। आज दिन तुम लोगों को पकड़ कर बीच सड़क पर मारते रहते हो। किसको मारा अपन ने फादर? ना कल ही एक आदमी को मारा तुमने। कौन? वो पीटर। अरे उसका बात मत करो फादर। एक तो वो बिना लाइसेंस के गंदा दारू बनाता है, ऊपर से नौसादर मारता है, फिर गटर का पानी मिलाता है। 20 बरस में मरने वाला आदमी 2 बरस में मर जाए। तो तुम कौन सा अमृत बेचते हो? अरे दारू तो अपन भी बनाता है फादर, लेकिन अपन के पास लाइसेंस है, एकदम प्योर माल। कभी अपन का दारू पीने आओ ना, देखो कितना मजा आता। सॉरी, तुम काहे को पिएगा दारू? देखो एंथोनी। यस फादर। मैं एज ए प्रीस्ट नहीं बल्कि एज ए गार्जियन तुमसे कहता हूं कि तुम ये धंधा छोड़ दो, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। कंप्लेन कराए इन, तुम एक काम करो, अपन के साथ साथ इसका भी कंप्लेन करो। What nonsense are you talking? ठीक तो बोलता है फादर। देखो अपन जो कुछ कमाता है 50% इसका पेटी में डालता है कि नहीं? उसका पेटी में डालकर तुम उसको रिश्वत देता है? अरे फादर, अपन कौन होता है इसको रिश्वत देने वाला? देखो फादर, वो जो अपन को देता है उसमें से 50% हम उसका पेटी में डालता है गरीब लोगों के पास। ये अपन का अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? गरीब लोगों का फिक्र उसको भी है, अपन को भी है कि नहीं? बोलो है कि नहीं फादर? है? नहीं बोलेगा? नेवर माइंड। एक ना एक दिन तुमको हाफ ब्लॉक कर दिया फादर। अंतरी भाई, बाहर एक्सीडेंट हुआ है। अरे बेचारे को बहुत मार दिया। आजू 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 आजू। ये हुआ कैसे? एक गाड़ी वाला है तो धक्का मार के ना जाने की तरफ चला गया। अरे तो मुंह क्या देखता है, टैक्सी बुलाओ ना। हेलो पुलिस स्टेशन। आप, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट किसका? एक औरत का साहब। कहाँ ले गए उसे? नानावती हॉस्पिटल। नानावती, ठीक है मैं पहुंचता हूँ। अल्लाह रहम। ये छूट मुट का आई मत करो, अब जाओ यहाँ से, तुम बिल्कुल ठीक हो। अजी आपका ये आला बिगड़ा हुआ है, मेरा सीने पर सर रखकर कान लगाकर सुनो, अंदर से यही आवाज आएगी, दर्द दिल, दर्द कमर, दर्द जिगर, दिल मेरा दर्द का गोदाम बनकर रह गया। लगता है आजकल तुम्हारी कवाली के शौक कम हो गए, इसलिए रोज मरीज बनकर हॉस्पिटल चले आते। माफ कीजिएगा हुजूर, आज आपका ये मरीज दर्द दिल का इलाज कराने ही नहीं, आपको अपनी कवाली के लिए खास दावत देने के लिए भी आया है। ये अच्छा तरीका दावत देने का, तो फिर और क्या करें,
तुम डॉक्टर हो, बीमारी का बहाना बनाए बगैर यहाँ आ नहीं सकता। बाहर मिलो तो तुम्हारे अब्बा उसको डंडा लेकर मारने को दौड़ते हैं। आज शाम को भी यही होगा। पहले तो अब्बा जान तुम्हारी कवाली के लिए राजी नहीं होंगे, और अगर हो भी गए तो खुद तो आएंगे और साथ में पूरी पलट। डॉक्टर, उन दो आदमियों का खून भी उस औरत को कम पड़ना है, और भी खून की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस वक्त आरज का खून कहाँ से मिलेगा? अच्छा, हम चलते हैं। ये रहा तुम्हारा कार्ड, शाम को मुलाकात होती है क्या? खुदा हाफिज़। खुदा। हाँ सुनो अकबर। हाँ। सुनो सुनो। नहीं जाओ क्या? तुम्हारा खून भी तो आरज का है ना? अजी, हमारा तो कोई ग्रुप ही नहीं है। अगर आपके अब्बा मेहरबान हो तो बहुत जल्दी ग्रुप बन जाएगा क्या? अच्छा सुनो, तुम मेरी खातिर उस औरत को अपना थोड़ा सा खून दे सकते हो। आपकी खातिर? अजी, आपकी खातिर खून तो क्या, ये बंदा आपके लिए जान भी दे सकता है। आप हुक्म तो कीजिए। नर्स, तुम इन्हें ले चलो और खून देने की तैयारी करो। ओके, आइए। चलिए चलिए।